जी अब आइए लक्ष्मण साहब, बधाई, 50,000 सब्सक्रिप्शन साथी जुड़ गए हैं। और बात शुरू करेंगे उससे पहले आप सब डॉक्टर लक्ष्मण यादव का चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लक्ष्मण साहब, योजना कैसे बनी यूट्यूब चलाने की? पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपकी बधाई के लिए। और अब आपके पास बैठ करके मैं क्या कहूँ कि योजना कैसे बनी। आप आगे आगे चल रहे हैं। और ये सर चैनल मेरा 2014 में जब अपना ईमेल जब गूगल उस समय उससे लिया, और एक आध दो पुरानी वीडियोस कभी कभी थी तो वो एक आध वीडियोस डाल दी। लेकिन ये जब लॉकडाउन हुआ और उस समय हम लोग दरअसल प्रोफेशन जिस प्रोफेशन में हैं उसका मुख्य मकसद ही है पढ़ाई लिखाई, बोलना तो, हाँ, और बोलना। और हम लोग जैसा क्लासरूम बनाना चाहते हैं वैसा ही तो एक समाज भी बनाना चाहते हैं, जाहिर है कि जितना इंक्लूसिव क्लासरूम रहे, जितनी ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं हम अपने विद्यार्थियों का ले जाएं, उनके विचार को, उनके ख्याल को, वैसा ही फिर दुनिया बनाना चाहते हैं। तो एक बड़ी भूमिका हमारी बतौर नागरिक भी है। तो वो जब अब आप तमाम लोग हैं, आप हैं, तमाम और लोग हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं और उनके पास अनुभव है, तो उन लोगों ने जो काम किया हम लोग उसी के से प्रभावित होकर के अपने पुराने जितने भी बहुजन आइकॉन हैं, जितनी भी वो विचारधारा है, उसको पढ़ना, समझना और बोलना शुरू किए। लोग जुड़ते गए, लोगों ने प्रेम दिया और फिर हो गया 50,000। तो देखते देखते 1.5 साल लगे बस। तो मेरा भी 1.5 साल लगा। हाँ, लेकिन आपका चूंकि है एक, हम लोग तो अभी पीछे पीछे यूट्यूब का कोई ठीक नहीं, कभी भी आप क्लिक कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग का थोड़ा एकेडमिक चैनल है, न्यूज नहीं है, इंटरटेनमेंट भी नहीं, तो इंटरटेनमेंट नहीं है, न्यूज नहीं है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे इसका ग्रोथ होता है। खैर, हमारा पर्पस कुछ और है, आपका हमारा पर्पस कुछ और है। तो ये जो आप थीम उसमें जो बनाते हैं, किस तरह का थीम सब बनाते हैं? मेरा फिलहाल फोकस सर इस बात पर है कि मैंने एक सेगमेंट दिया, उसका नाम रखा सामाजिक न्याय की पाठशाला। तो उसमें सबसे प्राथमिक तौर पर मैंने दो काम चुने, एक तो कि जितने आइकॉन्स हैं उनके जीवन के बारे में लोगों को बताया जाए। कुछ लोग हैं जिनके बारे में बातें होती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बात नहीं हो रही। आज ही देखिए संतराम बीए जी पर है, उतनी बात नहीं हो रही है जितना होना चाहिए था। ये एक सेगमेंट है उसका। दूसरा ये है किताबों के बारे में बात। तो यही है, विचारधारा सामाजिक न्याय की है। मैंने कार्ल मार्क्स पर भी उसमें वीडियो बनाए, क्योंकि जो भी गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहा है, जाहिर है, बराबरी की दुनिया बनाने का ख्वाब देखता है, भगत सिंह है और तमाम बहुजन नायक हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के मंडल कांशी राम लोहिया साहब और अम्बेडकर साहब, तो एक पूरी विरासत है। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ सर कि चूंकि हमें भी जो लड़ाई करनी है बराबरी की दुनिया के लिए, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी को अगर हम किसी रूप में लोगों तक पहुंचा पाए तो उसी का एक प्रयोग है। आप यूनिवर्सिटी बन चुके हैं? अभी तो ये तो नहीं कहूंगा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हाँ, कोशिश हम लोग की यही है कि हम लोग अपनी भूमिका निभा सके। जो बातें आप लगातार घूम घूम के कह रहे हैं, देश के जो हालात हैं, अभी किसानों का आंदोलन हो, रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे आप SC/ST एक्ट वाला आंदोलन हो, तमाम, क्या वजह है कि इसमें से अमूमन जनरली सोशल एक्टिविस्ट ही ज्यादा मुखर हो रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास मोर और लेस थोड़ा सा साइलेंट रहता है इन मुद्दों पे? क्या वोट का मसला क्या है? अब बिल्कुल सर, आप तो कई बार कहते भी हैं कि मतलब आपका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य और मुझे बड़ा पसंद आता है कि कोई नेता है उसको तो आप ये प्रलोभन दे सकते हैं कि आपको कुर्सी दे देंगे, टिकट देंगे और तमाम चीजें। एक बुद्धिजीवी को क्या चाहिए होता है? आप कहते हैं ना मजाक में कि महान बनना, बनाओगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें क्या करना है कि हमें अपने वक्त का सच कहना जरूरी है, और बुद्धिजीवियों से यही अपेक्षा, यही अपेक्षा है। आप अभी हम जिस भूमिका में है, हम अगर चेहरा देख करके बात करेंगे, अवसर देखकर बात करेंगे, तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अगर आज हमसे हमारा समाज कोई अपेक्षा करता है तो वो ये कि जो आज के दौर में कहना जरूरी है वो आप कहिए। ये नेता नहीं कर सकता। नेता हाँ, नेता को कुर्सी पानी है। वो अभी यूपी में हो रहा है ना, इतना बढ़िया लड़ाई चल रही है, अभी हम लोग उस पर आप कह रहे थे बात करेंगे। आप दलित और पिछड़े इंकलाब लाएंगे, फिर बीच में परशुराम का कटार भी आ जा रहा है ना, ये एक मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी है, वो उस मजबूरी से उबर नहीं पा रहे।
बुद्धिजीवी के पास सर, मतलब अगर ईमानदार बुद्धिजीवी है, मेहनती बुद्धिजीवी है, विचारधारा स्पष्ट है, तो वो सर ये काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग की कोशिश यही है कि हम कम से कम अपने वक्त का सच बोले। नहीं, उसमें मेरी जो राय है, हम लोग खैर हिंदी पट्टी से ज्यादा फैमिलियर है उत्तर प्रदेश और बिहार, और कई बड़े नेताओं से हमारी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि आप सिंबोलिज्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो वोट आपको मिलना है वही मिलेगा, वो वोट नहीं मिलने वाला है। हाँ। उसका ओरिजिनल घर जो है आरएसएस बीजेपी मजबूत हो चुका है, वही रहेगा मोर और लेस। तो कई लोगों की सहमति इस पे नहीं होती है, लेकिन सोशल साइंटिस्ट एक्टिविस्ट हम लोग को ये बात समझना चाहिए कि जो आपका बेस कोर वोट है उसी का कंसोलिडेशन जरूरी है। बिल्कुल, उसी का कंसोलिडेशन जरूरी है। अदरवाइज तो मोदी जी भी कह रहे हैं मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों का बहुत सारा नेतृत्व उन्होंने उभाड़ दिया, मंत्री बनाए तो प्रचार करवाए। हाँ, इतने ओबीसी इतने दलित बनाए। हाँ, प्रेस बकायदा पहली बार प्रेस नोट गया। बिल्कुल, प्रेस नोट गया। तो ये सब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, कई राज्यों में, 5-7 राज्यों में इस साल होगा चुनाव, 22 में, 5 में तो इधर ही होगा, दिसंबर में जाके ये हिमाचल, शायद गुजरात का। तो क्या लग रहा है, हम लोग तो जितना हम लोग का काम करना था, तेल डालना था इंजन में, उतना डाल दिए, क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, मतलब एक पक्ष तो इसका यही है कि अक्सर राजनेता और आरएसएस जैसी पृष्ठभूमि तो इन लोगों की है नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर उत्तर भारत की बात करें तो अब ये कैडर बेस नहीं रहेंगे। अब ये सारी पार्टियों के पास ऐसा नहीं है कि आरएसएस जैसा कोई संगठन हो जो जमीन बनाता हो, फिर पॉलिटिकल पार्टी उस पे फल लगाती हो, फसल काटती हो, फसल काटती हो। ये अब ये लोग काम छोड़ देंगे। मान्यवर कांशीराम ने लंबे समय तक किया, मुलायम सिंह जी ने शुरू में किया था, लोहिया प्रशिक्षण शिविर मुलायम सिंह जी चलाते थे और अपने कैडर को ट्रेंड करते थे। तो जो विचारधारा की ट्रेनिंग थी कांशीराम जी की, मुलायम सिंह जी की, अभी लगता है कि उस दिशा में कम काम हो रहा है। तो एक तो ये, हम लोग जो भूमिका निभा रहे हैं वो ये कि हम क्या कर सकते हैं, हम वो कह सकते हैं कि भाई आज जरूरत इस बात की है कि एक राजनीतिक दल को इस जमीन पर खड़ा होना चाहिए। जो अभी आप कह रहे थे, आपको पहचानना होगा कि अगर आप वंचित शोषित तबके के लिए न्याय की बात, जैसे जेंडर जस्टिस है, आप अगर महिलाओं के हक में बोले तो जरूरी नहीं है कि उसमें दो लाइन पुरुषों के हक में भी बोलना पड़े। ये किस बात की मजबूरी नहीं है? क्यों न्याय जिसके साथ हुआ उसी उसके पक्ष में न खड़े होंगे? आप गरीबों के पक्ष में अगर आप खड़े हो रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन करना हम नेता है, हमारा काम है, फिर दो लाइन अमीरों के पक्ष में भी बोलना मजबूरी है कि वो भी खुश रहे, ये भी खुश रहे। तो लालू जी एक बात कहते थे ना कि पुतो मीर तो बछरो मीर, ये वाला राजनेता करता है, बुद्धिजी भी ये काम नहीं करता। तो लेकिन एक एग्जांपल भारत में ही है, तमिलनाडु में तो एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था, उत्तर भारत में ये दिक्कत हो रही है। तमिलनाडु की जमीन पेरियार की जमीन है, वहां वैचारिकी बिल्कुल स्पष्ट थी, वहां बिल्कुल आत्मसम्मान आंदोलन चला और उसके बाद पेरियार की अपनी वैचारिक परंपरा रही है और सोशल रिफॉर्म हुआ। नॉर्थ इंडिया में वो सोशल रिफॉर्म उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसलिए जो जो जमीन तैयार हुई है बीजेपी और आरएसएस के दमन के बाद, तमाम वंचित शोषित लोग परेशान हैं। इसका असर तो दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रैलियों से कई गुना ज्यादा भीड़ गैर बीजेपी रैलियों और खासकर अखिलेश यादव के यहाँ हो रही है। यानी जनता नाराज है। अब नेता की यहाँ भूमिका बढ़ जाती है, नेता को अब एकदम भरोसा दिला देना होगा, वोट डालने कोई जाए तो उसे ये भरोसा दिला दो कि जितना अन्याय हुआ है उसको, अन्याय को हम दूर करेंगे। हाँ। अगर आप ये नहीं कर पाए तो बीजेपी ने जो खेल जो है बिहार में खेला, उत्तर प्रदेश को कभी वो अपने हाथ से खिसकने देंगे? जो उनकी पूरी सांप्रदायिक राजनीति का केंद्र है, अभी अयोध्या झांकी, मथुरा काशी बाकी, अब्बा जान, कब्रिस्तान, शमशान सब तो शुरू हो गया, कैसे लड़ेंगे आप इनसे? आपको स्पष्ट वैचारिकी से लड़ना होगा। तो अभी सर मुझे लगता है कि मामला एकदम कांटे की टक्कर में, इस समय भाजपा विरोध में जो भी राजनीति है उसे गोलबंद होकर के, कांग्रेस और लेफ्ट साइलेंट हुए ना ममता दीदी के यहाँ बंगाल में जिताने के लिए, तो यूपी में भी लोग कहें कि भाई जो जिता रहा है, जो बीजेपी को हरा रहा है उसके साथ खड़े हों, और जो बीजेपी को हराने का दम भर रहा है उसे आखिरी वक्त तक अगर वोटर को सहेजना नहीं आया तो वो तो कोविड वैसे ही अब बढ़ रहा है, चुनाव होने वाले हैं, कोविड बढ़ने लगा, रैलियों में जब भीड़ नहीं आ रही थी, अभी पंजाब में देखिए कहाँ गए थे, फिरोजपुर रैली में कोई नहीं था तो बीच से ही लौट आए कि मैं जिंदा लौट आया। ये वो पार्टी है सर, वो किसी का कोई वैल्यू नहीं, ये किसी बस्तर पर उतर करके आपको रोक देंगे। ये मेरा अच्छा ये बताइए आखिरी सवाल, क्या किसी पार्टी के पास वैकल्पिक एजेंडा है, ऑल्टरनेटिव एजेंडा है,
या एजेंडा की सेटिंग जो है, पिच जो है बीजेपी तैयार कर रही है? मैं सर इसका एक उदाहरण थोड़ा सा पृष्ठभूमि में दे रहा हूँ। 90 का दौर पूरे भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक एक बदलाव का दौर है। क्रिस्टोफ जेफरले उसके लिए बहुत बढ़िया शब्द, एक इंडिया साइलेंट रिवोल्यूशन, पूरे मंडल मूवमेंट और इवन कई तरह के मूवमेंट, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक राज सत्ता परिवर्तन और बहुत बदलाव आया। उसी समय आप देखेंगे केंद्र में दो पोल जो हुआ करते थे ना, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी बहुत तेजी से उभर रही थी, 90 तक आते आते वो अपने एक दमदारी से उभरती जा रही थी, कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही थी। थर्ड फ्रंट बनता है उन लोगों का जो वैचारिक रूप से इन दोनों के अलग थे। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, बाद में जो जनता परिवार था, समाजवादी परिवार था, वो सब एकजुट होकर के कई बार सरकार बनाता है। थर्ड फ्रंट में एक थर्ड वैचारिकी दिखती थी। कांग्रेस बीजेपी में क्या है, सॉफ्ट और हार्ड का तो फर्क था। आज जब मैं देख रहा हूं तो मैं चिंता जाहिर कर रहा हूं कि गोडसे बनाम गांधी की बहस में एक जो तीसरा पहलू था ना, सामाजिक न्याय का पहलू था, उसे बिल्कुल हाशिए पर बड़ी चालाकी से किया जा रहा है। फिर से लग रहा है कि गांधी बनाम गोडसे, तो वेयर इज अम्बेडकर, फूले पेरियार, बिरसा, अब्दुल कयूम अंसारी, ये कहां गए, भगत सिंह कहां गए? तो मैं सर ये देख रहा हूं कि अब जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, एक फ्रंट हो गया बीजेपी, दूसरी फ्रंट में कांग्रेस जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म खेल रही है, वो तो दिख रहा है ना कैसे, कौन हिंदू, असली हिंदू, नकली हिंदू। तीसरे फ्रंट में कौन लोग आ रहे हैं, ममता बनर्जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चुनाव के समय, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ना, ये थर्ड फ्रंट बन रहा है। सर ये सामाजिक न्याय की राजनीति कहाँ गई? उधर परशुराम भी है, अब उधर और सामाजिक न्याय की राजनीति के लोग बहुजन से सर्वजन तो परशुराम तक जाने को मजबूर है। आपकी शुरू वाली बात से सहमति दर्ज करा के कह रहा हूँ, 85% वंचित शोषित बहुजन है ना, आप ईमानदारी से अगर इन्हीं पर फोकस किए होते और अभी भी कर देते तो जो स्टालिन कर रहे हैं ना, वो आप करने में कामयाब हो जाते और फिर एक देश की राजनीति केवल उत्तर प्रदेश बिहार या सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत नहीं होती, देश बच जाता, ये हिंदुत्व वर्सेस संविधान बच जाएगा। तो ये मेरी टिप्पणी है सर।